आज मैं बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ पर इस तरह की बेस्ट डिजाइन कैसे बनाएं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कोरल ड्रॉ ओपन कर रखा है। अभी हम सबसे पहले एक सर्किल बनाने के लिए एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल को दबा के रखना है और इस तरह से एक सर्किल बना लेना है। इसके बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करके इस सर्किल को डबल करना है। डबल करने के बाद एक सर्किल को इस तरह साइड में ले आना है। इसके बाद शिफ्ट को दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एक बार ई को प्रेस करना है। दोस्तों, ई को प्रेस करने पर ये दोनों सिक्वेंस में हो चुके हैं, ओके। इसके बाद ऊपर इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोनों सर्किल को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद बचे हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसी पर एक बार और क्लिक करना है। इतना करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट को पकड़कर नीचे नोड पर लाकर रख देना है। इसके बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करके छोड़ देना है, ओके। इसके बाद टूल बॉक्स के लास्ट में स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कलर फिल कर देना है। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद कलर को छोड़कर बाकी सब डिलीट कर देना है, ओके। अब इसके बाद बचे हुए इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आउटलाइन को नन कर देना है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद केवल जी को प्रेस करना है। दोस्तों, जी को प्रेस करने पर इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट हो जाता है। तो अभी हमने जी को प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर इस तरह से कलर फिल्टर करना है। ऊपर और नीचे कलर फिल करने के बाद बीच में यहाँ पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद इस बॉक्स में हम येलो कलर फिल करेंगे। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस पर एक बार और क्लिक करना है। अब इसके सेंटर पॉइंट को नीचे नोड पर लाकर रख देना है, ओके। इसके बाद कंट्रोल को दबा के रखना है और इसको रोटेट करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर से जी को प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब इसमें हम कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इतना करने के बाद पिक टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करके इन सभी को ग्रुप में कर लेना है। इसके बाद इसी पर एक बार और क्लिक करना है। इसके बाद इसके सेंटर पॉइंट को उठाकर यहाँ पर नीचे नोड पर लाकर रख देना है। इसके बाद कंट्रोल को दबा के रखना है और इसको रोटेट करते हुए इस तरह से राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करके रिपीट कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद अभी हम F4 को प्रेस करते हैं। उसके बाद प्रीव्यू देखने के लिए F9 को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी डिज़ाइन रेडी हो चुकी है। YouTube पर सर्च करें स्किल नॉलेज। इसके बाद इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर कोरल ड्रॉ वाली प्लेलिस्ट ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको डिजाइनिंग की ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो को देखिए और सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।